उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सरकारी अमला अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम को पकड़ सका है और ना ही उसके घर और चिकन शॉप पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से दी गई ध्वस्तीकरण नोटिस की म्याद भी 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। प्राधिकरण ने दोनों को अवैध निर्माण बताकर मार्च महीने में ही नोटिस चस्पा किया था और जवाब देने को कहा था। कोई जवाब नहीं दिए जाने पर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया था और इसमें कहा गया था कि 18 अप्रैल तक दोनों निर्माण यानी घर और चिकन शॉप को खुद ही गिराना होगा। नोटिस में साफ तौर पर लिखा था कि अगर 18 अप्रैल तक दोनों निर्माण खुद नहीं तोड़े गए तो विकास प्राधिकरण बुलडोजर के जरिए इन्हें ध्वस्त कर देगा और इसका शुल्क भी वसूलेगा, जिसके अनुसार 19 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। लेकिन अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला है, जिससे सरकारी अमले की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारी अमला गुड्डू मुस्लिम पर मेहरबान क्यों है। विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले ये कहा गया कि नगर निकाय चुनाव की वजह से कार्रवाई रोकी गई है। वहीं अब निकाय चुनाव के वोटिंग और काउंटिंग खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बुलडोजर ना चलने पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कब होगी और उसके घर और दुकान पर बुलडोजर कब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।